ग्वालियर जिले के डबरा विकास खंड के देहात थाना पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो बदमाश अपने एक साथी के साथ अवैध हथियार हाथ में लेकर आम लोगों के बीच दहशत फैलाने के उद्देश्य से 5 जनवरी को एक जन्मदिन समारोह में वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसे ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा उक्त वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए उन बदमाशों को पकड़ने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए, जिस पर नवांगतुक थाना प्रभारी आनंद कुमार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात SS गौर और SDOP उमेश सिंह तोमर के कुशल मार्गदर्शन में वायरल वीडियो की पड़ताल कर आरोपी गिरिराज पुत्र सोबरन कुशवाहा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउंड भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। देहात पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। नजर आया जी, जिसमें कुछ लोग बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक व्यक्ति कट्टा लहराते हुए नजर आ रहा है, जिसकी हमने तस्दीक करवाई। जांच पर से एक व्यक्ति पकड़ा गया है। आरोपी का नाम गिरिराज कुशवाहा सनोब सोबरन कुशवाहा, उम्र 21 साल, निवासी साइंस सिटी कॉलोनी डबरा चिनोर का रहने वाला है। इसमें एक और आरोपी है जो कि अभी फरार चल रहा है, जिसकी शीघ्र ही शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। किन धाराओं के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया? आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा देसी राउंड, जिंदा राउंड बरामद हुआ था, जिस पर से अपराध हाजा पर, थाना हाजा पर अपराध क्रमांक 05/20 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है।